कुदरत दा एक असूल है कि ज्यादती ज्यादा चिर तक सहन नहीं कीती जांदी। किवें ना किवें किते ना किते धरती विच किसे ना किसे रूप विच जुलम दा सामना करन लई कोई ना कोई रब्बी रूह पैदा हुंदी रही है। इसे कड़ी दा हिस्सा है सरहंद फतेह दिवस। इस दिन नूं सिख कौम दे महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने सिंघां नाल जालमां नूं सौदा ला के सरहंद फतेह कीता सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं थापड़ा दे के अपने सिखां नाल तोरिया सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो आशीर्वाद लैके जदों पंजाब वल रवानगी कीती तां सिंघां दा जोश वेखण वाला सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर दा मुख मकसद सरहंद दे वजीर नूं मार के छोटे साहिबजादे अते वड्डे साहिबजादियां दी शहादत दा बदला लेना सी। इस लई उह सब तों पहलां समाणे पहुंचे जिथे श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद करन वाले जल्लाद जलालुद्दीन अते छोटे साहिबजादियां दे कातल शाशल बेग अते बाशल बेग रहिंदे सन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने तिन्ना जुलादा नूं अपनी करनी दी सजा दिती। बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां लगातार जुत्तां कारण मुगल हकूमत दुखी सी। हालांकि सरहंद दा सूबेदार वजीर खां एक जंगजू जंगी चालां नूं समझण वाला कुशल प्रबंधक सी। उसने खालसाई निशान नूं मेटण लई पूरी वाह ला दिती सी। उधर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भी जंग दी तैयारी करके सारे साधन जुटा लए सन। 12 मई 1710 विच चप्पड़चिड़ी दे मैदान विच जो पहला छप्पड़चिड़ी दे नाल नाल मशहूर सी सरहंद तो कोई 10 को दी दूरी ते भारी युद्ध होया। सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर दी हदायत अनुसार दुश्मन तोपां ते टुट पए। कमासान युद्ध मगरों सरहंद फतेह दे जयकारे छड़े गए अते सरहंद नूं घेरा पा लिया गया। सिखां ने सरहंद विच प्रवेश कीता। वजीर खां दियां लत्तां नूं रस्से नाल बन के मूंह काला करके घोड़े पिछे बन के शहर विच घसीटिया गया। एक गौरवमई जित ते सुनहरी यादगार जिसने खालसे पंथ दे मान मस्तक लई कई खाब सिरजे जो हकीकत विच तब्दील होए। खालसा फौजां ने एक वड्डे इकट्ठ विच सरहंद फतेह लई अकाल पुरख दा धन्नवाद कीता अते सर्ब सांझे राज दा ऐलान कीता।